सलमान खान की आने वाली मूवी कभी ईद कभी दिवाली बहुत ही लंबे समय से चर्चा में है। कभी कोई कास्ट मेंबर इस मूवी को ज्वाइन कर लेता है तो कभी कोई कास्ट मेंबर या आप कह सकते हो एक्टर या एक्ट्रेस इस मूवी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वेल, अब कभी ईद कभी दिवाली का नाम चेंज होकर भाईजान हो चुका है, इस तरीके से खबरें तो आ ही रही है। लेकिन उसी के साथ साथ बिग बॉस के इस विनर का सलमान खान की आने वाली मूवी भाईजान के साथ आखिर क्या कुछ कनेक्शन, चलिए आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त पदांगी कर्णिक। वेल, साजिद नादियावाला इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे थे लेकिन उन्होंने प्रोड्यूसर बनने से एंड मोमेंट पर इनकार कर दिया, बैकआउट कर गया, जिसके बाद सलमान खान इसमें बतौर मेन प्रोड्यूसर जो है हमें दिखाई पड़ रहे हैं। आयुष शर्मा जो ब्रदर इन लॉ ऑफ सलमान खान है, अर्पिता के हस्बैंड है, उन्होंने इस मूवी को करने से इनकार कर दिया। इस मूवी का पार्ट थे, खबरों की माने तो एक दिन तक उन्होंने पूरा शूट भी किया था लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते उन्होंने इस मूवी को छोड़ दिया। उसके बाद हमने देखा कि इस मूवी में जो है शहनाज गिल ने भी अपनी एंट्री ले ली है। शहनाज गिल का ये बॉलीवुड डेब्यू होने वाला है। अब आपको बता दें कि इस मूवी में जस्सी गिल ने और साथ ही साथ सिद्धार्थ निगम ने भी एंट्री मार ली है और अब खबरें आ रही है कि पूजा हेगड़े और सलमान खान स्टारर कभी ईद कभी दिवाली जो अब भाईजान बन चुकी है उसमें एक और ब्यूटीफुल हॉट सेक्सी एंट्री होती हुई नज़र आ रही है। और कहा जा रहा है कि सलमान खान की सलमान खान के बिग बॉस में सीज़न 4 जिन्होंने जीता है यानी कि श्वेता तिवारी, उनकी बेटी यानी पलक तिवारी अब इस मूवी में जो है बतौर एक्ट्रेस करने वाली है अपनी एंट्री। वेल, अंतिम में असिस्टेंट डायरेक्टर की उन्होंने एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने काम किया था लेकिन अब यहाँ पे एज एन एक्ट्रेस बॉलीवुड में बिग डेब्यू जो है वो करती हुई नज़र आ रही है। ऐसा कहा जा रहा था कि शहनाज गिल जो है हमें दिखने वाली है अपोजिट जस्सी गिल लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। खबरों की माने तो पलक तिवारी को जस्सी गिल के अपोजिट जो है पेयर किया गया है और इस मूवी की शूट जो है शुरू है। सलमान खान को खुद सलमान खान ने खुद पलक को चुना है फॉर दिस पर्टिकुलर रोल और वो हमें जस्सी के अपोजिट नज़र आएंगी। काफ़ी अच्छा ट्रैक उनका रहने वाला है इस मूवी में, काफ़ी अच्छा सीक्वेंस रहने वाला है और इस मूवी में वेंकटेश राघव जुयाल भी हमें नज़र आने वाले हैं अलॉन्ग विद सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, साथ ही साथ पलक तिवारी एंड शहनाज गिल। वेल, इस मूवी को अगर हम देखें तो कई सारे चेंजेस इस मूवी को लेकर आए थे। 30 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है मूवी, इस तरीके से खबरें आ रही है लेकिन जिस तरीके से बार बार कास्टिंग की चेंजेस हो रहे हैं उसके चलते लग तो नहीं रहा कि 30 दिसंबर को ये रिलीज़ हो सकती है, पोस्टपोन हुआ जा सकता है। साथ ही साथ सलमान खान के जान को धमकी की खबरें भी जो आ रही है, उन्हें और उनके पिताजी दोनों को मौत की धमकियाँ आ रही है, इसके चलते पुलिस सिक्योरिटी जो है और तगड़ी कर दी है और बढ़ा दी है सलमान खान की। क्या इस सब में सलमान खान अपनी शूटिंग जो उन्होंने रिज्यूम करी थी क्या वो वैसा ही करेंगे या फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि रिसेंट आपको मैंने खबर दी थी कि शार्प शूटर्स सलमान खान को मारने के लिए आए थे कुछ दिनों पहले ही लेकिन वहाँ पर मुंबई पुलिस को देख कर उन्होंने बैक डाउन कर लिया। तो क्या इस क्रूशल टाइम पर जब सलमान खान की जान खतरे में है क्या इस मूवी को शूट करना अब उनके लिए सही रहेगा या फिर ये मूवी पोस्टपोन हो जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या कुछ लगता है, क्या कुछ होना चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू सून।